तो इनकी यहाँ पर से स्टार्टिंग, ये दरवाज़ा जैसे हम लोग यहाँ से इधर को खोलते हैं तो ये दरवाज़ा यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपना आज का फ्री रेंज का जो फार्म है पूरा का पूरा, और भाई इसका पूरा टूर कराता हूँ और बताता हूँ भाई इसको हम लोग कैसे पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से खोल लिया जाए, और भाई बड़ी मुश्किल होता है अंदर जाना क्योंकि ये बाहर आने की पूरी कोशिश करती है। तो एक मिनट में वीडियो को रोकता हूँ और अंदर चलते पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे की बात। निकलिया वैसे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई खोलने में और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो भाई इनका आज बाहर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, सारी की सारी बार बार अंदर आ जा रही। और वैसे मैं वीडियो भी अंदर बना रहा हूँ तो इनको पता है कि मैं इन्हें खाना अंदर ही दूंगा, या फिर मैं अंदर आया हूँ तो किसी न किसी मकसद से, बोले तो इनको खाना वगैरह देने के लिए आया हूँ, इसीलिए भाई ये सारी की सारी फिर से अंदर आ चुकी हैं पूरी तरीके से। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आज भाई ये बाहर रुक नहीं पा रही बिल्कुल भी, वरना शाम को जब इनको खोलूंगा तो भाई अंदर आने का नाम ही नहीं लेती भाई। और बात करें कि यहाँ पर इतनी स्पेस में, यानी कि इतने बड़े फार्म में 20x20 के फार्म में कितनी सारी मुर्गी हमारे पास, तो लगभग 350 के आसपास यहाँ पर फीमेल है और 50 से 60 के आसपास मेल है। तो कोटा अगर राउंड फिगर अगर पूरा पूरा अगर गिना जाए तो टोटल यहाँ पर इस 20x20 के फार्म में 400 मुर्गे मुर्गियाँ हैं, जिनका वेट अगर बात करें मुर्गों का, तो मुर्गों का वेट आ चुका है लगभग 1400 से 1500 ग्राम तक, 1300 से 1500 ग्राम के बीच सब हैं। और फीमेल की बात करें तो कुछ फीमेल अडल्ट हैं, पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी हैं, कुछ हैं 4.5 महीने की। और बात करें कि भाई इतनी छोटी स्पेस में हम लोग इतनी मुर्गा मुर्गियाँ कैसे एडजस्ट करते हैं, तो भाई सिंपल सा फंडा, यहाँ पर देख सकते हो हर तरफ बांस और बल्ली लगी हुई है। यहाँ पर देख लो भाई, जहाँ पानी की टंकी है तो हमने स्टेप बाय स्टेप स्टेप बना के रखी है ऊपर से नीचे तक, 8-10 मुर्गी एक में आ जाती हैं तो 30-40 मुर्गी तो इतने में आ जाती है। और उधर की साइड पर बात करें तो दो उधर चारों तरफ लगा हुआ है बांस, और साथ ही साथ भाई यहाँ पर हमने पूरी तरीके से इनके बैठने का इंतजाम कर रखा, और जो पाइप है यहाँ पर हमने, और हाँ एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जैसे आप लोग फार्म स्टार्ट करते हो और ये पानी के लिए जो पाइप लगाते हो तो फिर मुर्गियाँ इस पर बैठती हैं तो क्या होता है कि ये टूटने का डर होता है, मतलब जहाँ से आप ज्वाइन करते हो यहाँ से, तो यहाँ से निकलने का डर होता है। तो सिंपली सा एक काम कर सकते हो उसके लिए भाई, क्योंकि मुर्गियाँ मानने वाली हैं नहीं, वो बैठेंगे ऊपर ही, जैसे वहाँ देखो अभी उड़ के आ गई तो बैठेंगे ऊपर ही। तो ये जो तार आप लोग बांधते हो मोटे वाले, तो इनको पास पास में कई सारे बांध देना आपको, जिससे ये बहुत मजबूत हो जाएगा। तो भाई एक नहीं 10-10, 20-20, 30-30 मुर्गियाँ भी अगर ऊपर बैठेंगी तो इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और ना ही ये टूटेगा, ना ही झुकेगा, और ना इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर छोटी सी जगह पे, कंजेस्टेड जगह हो आपके पास, छोटा सा रूम हो या फिर छोटी सी जगह हो, और ज़्यादा मुर्गियाँ रखनी हो 100, 200, 300, तो भाई ऐसे रख सकते हो, इनके लिए ऊपर का इंतज़ाम कर दो। नीचे इनको बैठना बहुत कम पसंद है, नीचे सिर्फ खाना खाने आती हैं या फिर पानी पीने या फिर अंडा देने के लिए नीचे आती है। अगर इनको अंडे देने का सिस्टम ऊपर मिल जाए ना, जैसे देखो भाई यहाँ पर टंकी रखी है यहाँ पर, तो कुछ मुर्गियाँ तो भाई ऊपर भी अंडा दे देती है, तो इनको ऊपर रहना हर तरीके से पसंद है, रहना खाना सोना सब कुछ ऊपर पसंद है, नीचे सिर्फ खाने के लिए अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर है कि इनको पता है कि मैं इन्हें खाना देने वाला हूँ, टाइम इनका हो चुका है इनकी फीडिंग का। और अगर बात करें कि भाई फ्री रेंज के बारे में, जैसे थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि आज मैं बताने वाला हूँ फ्री रेंज के बारे में, तो जो फ्री रेंज एरिया मैंने कवर करके रखा है वो लगभग कितने रुपये में कवर हुआ है, मतलब ये जो ग्रीन वाला नेट लेके आए 10 फीट ऊँचा है, 10 फीट ऊपर ज़मीन से लेकर 10 फीट ऊपर तक, लेकिन हम लोगों ने 8-9 तक ऊपर किया, बस उससे ज़्यादा नहीं किया, मुर्गियाँ बाहर नहीं जाती हमारे हिसाब से, तो 10 फीट वाला ऊंचा है। और इधर साइड तो हमारे पास छोटे छोटे कटिंग पड़े थे, तो फिर 7-8 फीट तक इधर पड़े हैं। तो बात करिए कि अगर इतना हमें कवर करने में कितने रुपए का ये जो ग्रीन वाला नेट है ये हमें मिला, तो लगभग 1600 कुछ रुपए का भाई ये हमें ग्रीन नेट पड़ा था इतना। और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा वो वाला जाल था, जो बास्केटबॉल वाला जाल होता है, सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सो वो वाला जाल की बात करें तो वो 510 रुपए के आसपास हमें मिला था, लगभग ये है 30-40 फीट। और एरिया हमारे पास मतलब खोलने के लिए बहुत है, लेकिन हम लोग ज़्यादा बड़ा इनको नहीं बनाया क्योंकि बंद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसी वजह से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, तो इसको भी हम लोगों ने भाई थोड़े में ही कवर किया। और पूरा अगर राउंड फिगर पूरा अगर खर्चा माना जाए इनको फ्री रेंज खोलने के लिए, जितना बड़ा हमने मैदान बनाया हुआ है अभी मैं पास से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो भाई इतने में हमें लगभग 1900 के आसपास खर्चा आ गया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो भाई पूरी तरीके से इतना बड़ा एरिया है जिसमें आराम से मुर्गियाँ खेल सकती हैं, टहल सकती हैं, घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छा एरिया इतना। और इस एरिया का फायदा ये है कि भाई हम लोगों ने इसको ऐसे इस स्टाइल से बनाया कि भाई इनको मुर्गियों को बंद करने में भी कोई दिक्कत ना आए। चलो अभी दिखाते हैं भाई कैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब कैसा सिस्टम रखा हुआ है। अगर ऐसा आप लोग, अगर आपके पास ऐसा फार्म है, ये देखो भाई बाहर ही इसने अंडा दे दिया, अरे यार। और हाँ एक अंडा ये हो गया, और अंडे का साइज भाई आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई देखो एक अंडा छोटा एक अंडा बड़ा। और हाँ आप लोगों को एक खासियत बताता हूँ, सोनाली मुर्गियों का क्या होता है कि भाई ये कभी एक साइज़ का अंडे नहीं देते, कभी छोटा कभी बड़ा, हर तरीके का इनका अंडा होता है और हर कलर में होता है। जैसे इसे देखो भाई, ये ज़्यादा वाइट लग रहा है और ये थोड़ा सा ब्राउन लग रहा है, तो डार्क ब्राउन, ब्राउनिश और वाइट, हर तरीके के अंडे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं।
और भाई अगर आप लोगों को इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडा लेना है तो एक काम और कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने कैरेट रखी भूसा रखा, वैसे ही मैंने वहाँ पर कई सारी सेट करके रखी। तो इससे क्या होता है भाई, इनको एक सेफ जोन चाहिए, इनको एक सेपरेट एरिया चाहिए जिसमें ये आराम से बैठ के, जहाँ मुर्गे इन्हें परेशान ना करें या फिर किसी चीज़ का इनको डर ना हो अंदर, और वहाँ पर वो बैठ कर ज़्यादा से ज़्यादा अंडा देती हैं। भाई मैंने बहुत बार आजमाया है, इसे प्रैक्टिकली करके देखा है। उस वाला फार्म जो है मेरा छोटा वाला फार्म है वहाँ पर, उसमें भी रखा है भाई ढाबली, मैंने सारी मुर्गियाँ उसी के अंदर देती हैं। और यहाँ पर भी देखो एक अंडा से बाहर था, एक अंडा यहाँ पर इसके अंदर था, और अभी 4-5 अंडे उठा चुका हूँ सुबह के टाइम, और भी काफ़ी अंडे उठा चुका हूँ। तो सारे अंडे में भाई, मतलब वो सारे अंडे उन्हीं कैरेटों में थे। फ्री रेंज के बहुत फ़ायदे होते हैं भाई, यहाँ पर इसे हम लोग खोल देते हैं। अगर साफ़ सफाई भी करना होता तो सबसे आसान होता भाई, इनको खोल दो सारी मुर्गियाँ मुर्गे बाहर, शाम को यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो जाती है आराम से 1-2 घंटे के अंदर। और अगर फ्री रेंज का एरिया नहीं है आपके पास तो भाई ये साफ़ सफाई में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और बड़े मुर्गे हमारे फार्म के सारे निकल चुके हैं, बचे हमारे पास सिर्फ छोटे मुर्गे हैं। जैसे ये देखो सामने देख सकते हो भाई, इनका वेट लगभग 1300 से 1400 ग्राम के आसपास आ चुका है, और बस पूंछ थोड़ी सी आनी है और थोड़ा सा वेट आना है, उसके बाद ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे। और लगभग अगर बात करें ये कितने महीने के, तो ये है लगभग 4.5 महीने के। और बात करें जो नए बंदे हैं, 4.5 महीने में अगर मुर्गा कितना बड़ा होता है, मतलब इनकी फ़ीमेल कितनी बड़ी होती है वो अगर दिखाऊँ, तो भाई ये देखो, ये है हमारी 4.5 महीने की फ़ीमेल, भाई देखो कितनी खूबसूरत है। और इसका साइज़ लगभग आ चुका है 100-200 ग्राम बाकी है, वो आने के बाद, उस वाइट वाली की बात कर रहा हूँ, आने के बाद भाई वो अंडे पर आ जाएगी। अंडे पर तो लगभग आने वाली है, लगभग 8-10 दिन के अंदर आ जाएगी, शायद आ भी गई हो अब तक तो। लेकिन अगर बात करें बॉडी वेट का आता है 4.5 महीने में, तो ये 4.5 महीने का बॉडी वेट है। और अगर मेल की बात करें तो भाई ये है बॉडी वेट, पूंछ नहीं आई है सिर्फ अभी इनकी, कलगी तो थोड़ी बहुत आ गई है लगभग लगभग, मतलब मुर्गों पे है, जैसे इसकी नहीं आई, लेकिन इसकी कलगी देखो भाई बब्बर शेर की तरीके, बस थोड़ा सा खाली पूंछ में वो है, पूंछ अभी नहीं आई इनकी, ये देखो इसकी आने वाली है। और बात करें फीड की, तो ये देख सकते हो भाई इसका लेयर का फेस वन भाई बहुत अच्छा होता है, अंडे दिलाने के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, तो जो थोड़ा बहुत गेन बाकी भी है, बॉडी वेट का गेन जो बढ़ना है बाकी है, वो भी बढ़ जाता है। और ये है बड़े मुर्गे, यानी कि बस पूंछ से थोड़ा सा कम है, जितने हमारे पास बड़े मुर्गे थे जो पूंछ वाले थे बड़े वाले, वो सारे के सारे निकल चुके हैं, जो छोटी पूंछ वाले बचे हैं बस अब इनको ग्रोथ करना बाकी है। देख सकते हो भाई पूरा वाइट है, साइज़ इसका आ चुका है पूरी तरीके से, बस पूंछ जो है थोड़ी सी और आ जाए राउंड वाली, बस उसके बाद इनका निकलना शुरू हो जाएगा। देख लो भाई ये सारे के सारे मुर्गे 4.5 महीने के सब, इसका छाती देखो भाई सीना। तो बात कर रहे थे भाई फ्री रेंज की, तो फ्री रेंज का सिस्टम यही रखना आप लोग। चलो बाहर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कैसा सिस्टम अगर बनाना है आप लोगों को, तो ऐसा बनाना ताकि आपको मुर्गे बंद करने में प्रॉब्लम ना आए कभी भी, बहुत आसानी से ये सारी मुर्गियाँ बंद हो जाती है। तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से, तो इनकी यहाँ पर से स्टार्टिंग, ये दरवाज़ा जैसे हम लोग यहाँ से इधर को खोलते हैं तो ये दरवाज़ा यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो यहाँ से इनका पूरा एरिया शुरू होता है, इतना सेवरेट एरिया, और उसके बाद देखो इनके पास है इतना बड़ा एरिया, आराम से बैठकर घूमकर खा सकती है भाई, सब कुछ कर सकती है। और बंद करना सबसे आसान होता है इस तरीके का, अगर आप सिस्टम बनाते हो तो सारी की सारी मुर्गियों को कॉर्नर में लिया, और उसके बाद भाई बहुत ही आसानी से ये सारी मुर्गियाँ अंदर बंद भी हो जाती है बहुत आसानी से। तो कोशिश करना अगर फ्री रेंज के लिए बनाते हो तो भाई ऐसा ही कुछ एरिया बनाना, ताकि जब जिधर खुले उधर बड़ा एरिया हो, लेकिन जब बंद करना हो तो एक तरफ थोड़ा सा कोना पतला होना चाहिए सकरा, ताकि जब उधर से आप लोग बंद करते हुए इन्हें आओगे तो यहाँ पर इनके पास कोई भी जगह नहीं रहेगी आगे भागने की, तो इनको अंदर ही घुसना पड़ेगा, वैसे तो अंदर बंद हो जाती है। और हाँ दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ भाई, थोड़ा सा गेहूँ ले लो, थोड़ा सा भाई सूखा सूखा बिल्कुल गेहूँ, दाना डालते हो ठीक है, लेकिन मान लो आपकी मुर्गियाँ 1000 हैं, 500 से ऊपर है बहुत ज़्यादा, तो बस खाली गेहूँ फार्म के अंदर आके हिला, मतलब ऐसे छिड़क दो पूरे में, सारी मुर्गियाँ भागते हुए मतलब 90% तो अंदर आ जाएंगी, और 10% भाई भगा के लिए आओ। सो बस आज की वीडियो इतनी ही थी, और यहाँ पर देखो भाई मुर्गी फिर से अंडा देने जा रही है, या फिर इसने अंडा दे दिया होगा शायद, तभी ऐसे बैठी है। तो बस आज की वीडियो यहीं से एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ आप लोगों से बता दूँ कि फार्मिंग कैसे करते हैं और बीमारियों के बारे में, और कौन सी मुर्गी किसके लिए अच्छी होती है, मीट के लिए अंडे के लिए, सब कुछ ऑलरेडी हम लोग अपने चैनल पर बताकर डाल चुके हैं वीडियोज़, बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं, तो जाकर उनको चेक करना। आज की वीडियो तो बस ऐसे ही थी कि भाई फार्म का समझो टूर करा रहे थे एक हिसाब से। तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर, बाय।